प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शुरू हो रही परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च को समाप्त होगी। वर्ष 2024 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में परीक्षा दे रहे कुल परीक्षार्थियों की संख्या 55,25,308 है। ये सभी परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद में पंजीकृत है। इस बार 8,265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस बार कई नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिसमें सबसे प्रमुख माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज और सभी क्षेत्रीय कार्यालय में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है। कंट्रोल सेंटर के माध्यम से फुल प्रूफ निगरानी की जाएगी। परीक्षाओं के व्यवधान रहित संचालन के लिए इस बार मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इस बार की परीक्षा में सभी कक्ष निरीक्षकों हेतु QR कोड और क्रमांकयुक्त कंप्यूटराइज्ड परिचय पत्र दिया गया है। उत्तर पुस्तिकाओं की अदला बदली रोकने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं पर सुरक्षात्मक QR कोड, क्रमांक, लोगो आदि का मुद्रण किया गया है और हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं अलग अलग रंगों में बनाई गई हैं। 8,265 परीक्षा केंद्रों पर परिसर में 2,90,000 वॉइस रिकॉर्डर युक्त CCTV कैमरे लगाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि इस बार किसी भी विषय या प्रश्न पत्र के किसी भाग या उसके हल को व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अन्य किसी माध्यम से संचारित करने पर अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने सभी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। यूपी बोर्ड में इस बार कुल 55,25,308 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इनकी परीक्षा के लिए 8,265 कुल केंद्र बनाए गए हैं जिनपे इनकी परीक्षा हुई होगी। 73,367 कक्ष निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा से और 1,25,754 बेसिक शिक्षा से कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। कुल स्ट्रांग रूम के रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए 599 टीमें शिक्षा विभाग से, 434 टीमें जिला प्रशासन स्तर से लगाई गई। इसके अतिरिक्त 8,265 सेटिंग मजिस्ट्रेट, 8,265 बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और 8,265 केंद्र व्यवस्थापक इस पूरी परीक्षा व्यवस्था में लगे। संवेदनशील केंद्र हैं जिन पे विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे भी हम परिषद जो है परिषद मुख्यालय से 24/7 सारे केंद्र देखे जा रहे हैं, लेकिन उन 16 पर बहुत विशेष निगरानी रहेगी। कमांड सेंटर के जरिए हम उनको देखते हैं, जैसे उनके जो सेंटर्स पर परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षाएं चलती रहती हैं, हम उनके DVR से उनके देखते हैं। अगर कोई ऐसा लगता है, कोई इशू ऐसा लगता है, तुरंत हम जिले को फोन करते हैं, जिले वहां के सेंटर पर बात जाती है, तुरंत बात हो जाती है, तो एक एक पर नजर रखते हैं। कापियों में सभी 75 जिलों की सिली हुई कापियां हैं और इसमें QR कोड फर्स्ट पेज पर भी है, मध्य में भी QR कोड है, ताकि कोई पिछले साल कापियों अदला बदली न कर सके। एक दूसरा कि कापियों के कलर हाई स्कूल के इंटर के दोनों के चेंज हुए हैं गत वर्षों से। तीसरा कि सभी कापियों पे क्रमांक युक्त हैं कि कोई भी उसमें से एक भी पेज इधर उधर नहीं कर सकता, कोई हेरा फेरी नहीं, बदला बदली नहीं कर सकता। सर, हर बार परीक्षा होती है लेकिन इस बार कुछ नई चीजें लेकर आए हैं यूपी बोर्ड, जिसे कुछ नई टेक्निक इस्तेमाल किया गया है इस बार। बिल्कुल, एक तो इस बार हम लोग चाहे जो हमारे जो 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं उन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कमांड कंट्रोल हम बनाए हैं। इसके अलावा परिषद मुख्यालय पर हम कमांड कंट्रोल बनाए हैं, ये पहली बार हम लोग किए हैं। दूसरा कि कापियों को अपनी हमने बताया आपसे पूरा उसका अदला बदली रोकने के लिए पूरा चेंज कर दिया है। तीसरा कि कक्ष निरीक्षकों के लिए इस बार यहाँ से एक परिचय पत्र जारी हुआ जिसमें उनका QR कोड उसके परिचय पत्र पर है, क्रमांक सीरियल है, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ वहां पे परीक्षा हो सके। चौथा कि इस बार हम लोगों ने पहली बार सारे जिलों में जितने भी परीक्षा व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट स्टेटिंग मजिस्ट्रेट हो, केंद्र व्यवस्थापक हो, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक हो, सबकी बहुत सघन प्रशिक्षण सबका कराया गया है, ताकि परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से जान सके और उसमें कोई चूक न हो।